दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर पहली बार सरपट ट्रेन दौड़ी है और ये तस्वीर पूरे भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। कश्मीर का इशू हमारा जो आप कह रहे हैं कि इस्लामी मालिक में से कोई भी नहीं आ रहा भाईजान, ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है, फॉरेन पॉलिसी की हमारी नाकामी है। हमारे ये पॉलिसी को एक दो माह में नहीं बनेगी, ये पॉलिसी हमें 5-10 साल लगा के एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि हम सारे ममालिक को अपने जो है वो टॉपिक के ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर स्टांस के ऊपर इकट्ठा कर सके। लेकिन इसका फिर अगर दूसरी साइड पे देखा जाए इंडिया वालों की तो ये कामयाबी हुई, कामयाब है इंडिया वाले कामयाब है कश्मीर के मामले। उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी डिजाइन की हुई। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज यानी चिनाब ब्रिज पर रेलवे ने अब पहली बार ट्रेन दौड़ा दी है और अब जल्द ही इस पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने वाला है। दुनिया का ये पहला ब्रिज है जो इंडिया की जानिब से बनाया गया है, जो टोटली तौर पर ब्लास्ट प्रूफ है। चिनाब पुल आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और भारत के नाम अब वो ऐतिहासिक खिताब है जिसके पास सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर बनाए गए इस पुल को देखकर दुनिया का हर देश हैरान है। प्रूव किया कि अब रेलवे उनका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा है। बॉम्बे का रेलवे जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा है। उन्होंने नई ट्रेनें चलाई हैं, इंजन नए लाए हैं, नए ट्रैक बिछाए हैं। हमारे यहाँ तो ये चक्कर ही कोई नहीं है, बस एक ऑरेंज ट्रेन बन गई है, वो भी लॉस में जा रही है। वो मेरी पगड़ी या दाढ़ी या मेरी मेहराब या मेरी अंगूठियाँ पहन लेने से कुछ नहीं होगा, अगर मेरा किरदार नहीं तो मेरा हुलिया भी नहीं। We are actually the characterless nation. और अब से पहले ये खिताब चीन के पास था लेकिन अब भारत के पास है। 1486 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ ये पुल दुनिया के लिए 8वां अजूबा है। उनका निजाम सारा रेलवे का सारा PLC का, उनकी तो तकरीबन 95% आवाम ट्रेन पे सफर करती है और सारा PLC। यहाँ तो आए दिन एक्सीडेंट पाकिस्तान में, कभी ट्रेन उलट गई, कभी पटरी खराब है, पटरी से एक्सीडेंट, वहाँ का निजाम सारा PLC ऑटोमेटिक सारा निजाम है। दोस्तों, भारत के इंजीनियर्स ने वाकई कमाल करके दिखाया है। ये लगभग असंभव काम था दोस्तों, बड़ा मुश्किल काम था, और ऐसा पुल बनाना जो ब्लास्ट प्रूफ हो ये भी बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में दोस्तों ऐसा पुल दूसरा नहीं है, इतनी ऊंचाई पे बनने वाला पुल कमाल करके रख दिया है। अब आप मुझे खुद बता दो दोस्तों, जब ये पुल बन चुका है, अब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारी ट्रेन दौड़ेंगी, हमारी कितनी मदद हो जाएगी। आप सोचिए, कल को अगर पाकिस्तान के साथ भगवान ना करे युद्ध हो जाता है या दो फ्रंट पर हमें लड़ना पड़ता है तो हमारी ट्रेन जो होगी वो कितनी मदद करेगी। यही देख के आज पाकिस्तानियों को भी आग लगी पड़ी है, क्योंकि आप जानते हैं कश्मीर के अंदर तो उनके पाकिस्तान के अंदर तो बुरा हाल है, वहाँ पर तो दंगे चल रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि जी हमें तो इंडिया से मिलवा दो, और जब ऐसी तरक्की वो देखते हैं तो वो मूर्छा लगती है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब बहुत जल्दी हम POK भी ले लेंगे, हमें POK लेना ही लेना है। पाकिस्तानियों को आपस में लड़ने दीजिए, अभी कुछ टाइम हो, जब इनके दंगे दुंगे हो लेंगे, ये जब लड़ कट मार लेंगे तब हम POK ले लेंगे। बाकी आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या कहते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्या की रेलवे की तो बात ही छोड़े ना, उन्होंने एक अपना के एक अदारा डेवलप कर लिया है कि अब रेलवे उनका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा है। बॉम्बे का रेलवे जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा है। उन्होंने नई ट्रेनें चलाई हैं, इंजन नए लाए हैं, नए ट्रैक बिछाए हैं। हमारे यहाँ तो ये चक्कर ही कोई नहीं है, बस एक ऑरेंज ट्रेन बन गई है, वो भी लॉस में जा रही है। क्या कहेंगे, क्या वजह है कि वही ट्रेनें थी जो 1947 में उनके हिस्से में आई, वही ट्रेनें हैं जो 1947 में कुछ हमारे हिस्से में आई। इंडिया आज उन्हीं ट्रेन को डेवलप करके और मजीद नई से नई ट्रेन बना के कहाँ से कहाँ अपना रेलवे निज़ाम ले गया। ये है कि वो अपने काम के साथ लॉयल हैं, हम अपने काम के साथ लॉयल नहीं है। हमारे रिसेंटली ये जो मुल्की हालात चल रहे हैं पॉलिटिक्स पे, आप देख रहे हैं कि इनका मेन इशू जो है वो करप्शन है। सही। वो करप्शन है जिसकी वजह से हम लोग ये आगे नहीं जा सकते। रेलवे का देख लें निज़ाम, वहाँ काम करने वाले वर्कर ही नहीं उसको छोड़ते। उनकी एशिया की सबसे बड़ी रेलवे वर्कशॉप हमारे पास है, ये मुगलपुरा रेलवे कैरिज शॉप जो है, लेकिन वो देख लें हालात उसके ऐसे हैं कि अब बंद हुई हुई है। आदमी खा रहे हैं, रेलवे की ज़मीनें बिक गई हैं। रेलवे एक बहुत अच्छा बड़ा प्रॉफिटेबल अदारा बन सकता है, उसकी ज़मीनों बेच के खा गए हुए हैं। क्या करप्शन है ना। मुझे बताएं कि ब्लास्ट प्रूफ जो है रेलवे ट्रैक होने का फ़ायदा क्या है। ब्लास्ट प्रूफ रेलवे ट्रैक होने का फ़ायदा ये है कि जंग के दिनों में
जैसे आर्मी को ये बड़ी रेलवे जो है ना ये बड़ी सपोर्ट करती है, इनके बारी जो जंगी इक्विपमेंट होते हैं वो लेके जाने में रेलवे का बड़ा अमल दखल होता है। ये वजह है कि उनको फ़ायदा होगा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर जब दो कंट्रीज़ में जंग होती है तो सबसे पहले वो एक दूसरे के ब्रिज पर ही अटैक करते हैं, और अगर हम अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर देखें तो उसमें भी रशिया ने यूक्रेन के सबसे पहले ब्रिजेस पर ही अटैक किया था। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तो ये देख लें रावी का एक पुल है, अगर वो उड़ गया तो लाहौर कट जाता, पूरा लाहौर कट जाता ना। मेन वजह ये मैंने बताई है कि ये करप्शन है, हमारे हुक्मरान जो हैं वो लॉयल होकर सोचते नहीं है। इसके लिए हुक्मरानों को भी हम क्या बताएं कि हम खुद लॉयल नहीं। उधर वाले जो है ना बेशक काम उनको गैर मुस्लिम कहते हैं, ठीक है, इधर मुसलमान है लेकिन काम के मुसलमान है, सिर्फ नाम के या काम के? नाम के। तो क्या वजह है आखिर, मतलब यही ट्रेनें ये जो पीछे नजर आ रही है यही उन्हें मिली थी कि उन्हें कोई अच्छी वाली मिल गई थी? उनको बंदे अच्छे मिले थे, चलाने वाले अच्छे मिले थे, ये नहीं थे कि यार आज इधर से चलते हैं, एक बंदा है मजबूरी, अब मैं आज ऐसे फोदकी पे जा रहा हूँ, अभी ट्रेन आधा घंटा लेट हो जाती है, मैं रात को आधी रात को अगर पहुंचता हूँ मेरे लिए कितना मसला होगा, मुश्किल वाली बात होगी। तो आपको लगता है, आप मुतमिन है इस निज़ाम से जो रेलवे का निज़ाम है, आपको लगता है कि जब से पाकिस्तान बना है कुछ बेहतरी हुई है? कुछ बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने ना इसका नहीं देखा। और इंडिया का जो रेलवे का निज़ाम है कुछ सुना है आपने उसके बारे में? बेहतर है, बेहतर है, वो इसलिए बेहतर है कि उनके इधर तो करना, जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना तीन टाइम, वो तीन टाइम इधर हुक्मरान बदले जाते हैं, उधर ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं होता। चले तो क्या समझते हैं आपकी इतनी उम्र है, क्या समझते हैं, मुझे लास्ट में बताएं, ये देखने वालों को शायद पता चले कि क्या ऐसा होना चाहिए कि हमारा निज़ाम भी बेहतर हो, आखिर हमने भी तो अपने निज़ाम को बेहतर करना है। हम लोग हैं तमाशगीर, हमें तमाशा चाहिए, तो हम लोग तमाशा बने हुए हैं, दुनिया भर में तमाशा बन गए हैं, क्योंकि महंगाई इतनी को हो गई है कि दो टाइम का खाना भी मुश्किल हो गया है। चले उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क भी बेहतरी की तरफ जाए। आपने जो क्वेश्चन मैंने इनसे किया, आपसे भी सेम क्वेश्चन है कि पार्टीशन के वक्त यही ट्रेनें उन्हें मिली, यही हमें मिली, ठीक है, आज वो डेवलपमेंट कर गए हैं काफ़ी ज़्यादा रेलवे के सिस्टम में, तो हम नहीं कर पाए, क्या वजह समझते हैं? इंडिया जो है वो जो भी हैं अपने मुल्क के साथ वो सच्चे हैं, वो अच्छे लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी में, वो इंडस्ट्री के अंदर, वो साइंस के अंदर, वो कॉलेज में, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं। लेकिन है, अच्छी बात है, वो और ग्रो करें, लेकिन हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे, मुझे बस ये बताएं कैसे बेहतर होगा, हमने इस निज़ाम को बेहतर करना है। हम अपने निज़ाम को जब तक बेहतर नहीं कर सकते जब तक हमारा तालीमी निज़ाम, हमारा टेक्नोलॉजी का निज़ाम, हमारा साइंस का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। उसके लिए हमें सबसे पहले करप्शन ख़त्म करनी होगी, हमें एक जस्टिस, एक इंसाफ का निज़ाम जो है अपने मुल्क के अंदर कायम करना होगा। जब तक कि हम अदल और इंसाफ का निज़ाम दुनिया में नहीं लेकर आएंगे तो हम ये काम अपनी तरक्की नहीं कर सकते, हम इसमें प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते।